ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करते हैं कैथल की खबर की तरफ। कैथल के लोक निर्माण विश्राम गृह में सांसद राजकुमार सैनी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि सांसद सैनी कैथल में किसी निजी समारोह के बाद विश्राम गृह पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्लाट आवंटन मामले पर सीबीआई जांच के बयान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बिना किसी तथ्य के कुछ भी नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी है तो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार भी बताया। देखिए ये रिपोर्ट। लग सकता है कि जो व्यक्ति पांच तथ्यों को लेकर के देश में चल रहा है, उसका मानसिक संतुलन कितना मजबूत है। मैंने कहा 100% आरक्षण हो, कोई किसी के हक को चीट ना कर सके, एक परिवार एक रोजगार हो, ये ना हो कि एक एक में 10-10 लग जाए और 10-10 खानदानों में एक भी ना मिले। हम दो हमारे दो की पॉलिसी पर ये देश आगे बढ़ेगा तो देश इम्बैलेंस होने से गरीबी तभी खत्म हो सकेगी। और इस देश के अंदर अगर हम मनरेगा जैसी स्कीम को किसानों के साथ जोड़ेंगे, मजदूरी सरकार दे ही रही है, किसान के खेत का काम फ्री में हो जाए, किसान भी बच जाएगा, मजदूर को भी 300 दिन काम मिल जाएगा और राज्यसभा जब तक इस देश के अंदर समाप्त नहीं होगी तो यही हाल रहेगा जो पिछले सेशन का हाल हुआ। सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के मौजूदा सरकार को उसके काम को रोक करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनसे देश का कुछ नहीं हुआ, हम ही कर सकते हैं, दोबारा अपने सत्ता में लौटने की सपने संजोते रहते हैं और देश के काम को रोकते हैं। ये सदन पिछले 50 वर्षों से यही काम कर रहा है, इसलिए ये सदन समाप्त हो। तो जिस व्यक्ति का इतनी पांच बातों के फार्मूले के लिए, देश के विकास के लिए 24 घंटे दिल धड़कता हो, उसका इन दिमाग कैसे असंतुलित हो सकता है। जिनका असंतुलित है वो सिर्फ मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं, मैं दूसरों को लेट डाउन कैसे करूं, उनके खिलाफ कटु शब्द अपशब्द कैसे बोलूं, ये पिछले दिनों के आरक्षण लेगा जाट नहीं तो खड़ी कर देगा खाट, किसी को बावली बूझ बतावे, किसी का मानसिक संतुलन खराब बतावे। जिनका मानसिक संतुलन खराब है वो अपने बारे में अपने गिरेबान में झांके।